टुडे वी लर्न अबाउट फूड प्रोडक्शन इन प्लांट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड प्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि प्लांट में फूड प्रोडक्शन, फूड कैसे बनता है। कभी आपने सोचा, हम लोगों को तो खाना प्लांट से मिल जाता है, हम लोग पेड़ पौधे से खाना प्राप्त कर लेते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अपना खाना प्राप्त कर लेते हैं, हम लोग जानवर को देखते हैं वो क्या खाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है एक प्लांट कैसे अपना खाना बनाता है, वो किस चीज़ की सहायता से अपना खाना बनाता है? तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, प्लांट अपना कैसे खाना बनाता है, किस चीज़ की मदद से खाना बनाता है। तो सबसे पहले प्लांट अपने पत्तों से खाना बनाता है, यानी कि लीव्स से खाना बनाता है, अपना खाना वो लीव्स से बनाता है। तो सबसे पहले लीव्स के बारे में जान लेंगे, लीव्स क्या होता है, लीव्स का कौन कौन सा पार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे लीफ एंड देयर पार्ट, पत्ता और उसका पार्ट, यानी कि उसका भाग, पत्तों का कितना भाग होता है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे पेटियोल, जो कि एक लीफ का पार्ट है। अ लीफ अटैच टू द ब्रांच बाय पेटियोल। एक लीफ कहां से अटैच, ब्रांच से अटैच होकर जो लीफ बनता है उसे हम लोग पेटियोल बोलते हैं। देखिए यहाँ ये ब्रांच हो गया, ये जो अटैच हुआ है, अटैचिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। नेक्स्ट है लीफ ब्लेड और लेमिना। लीफ ब्लेड और लेमिना किसे कहते हैं, द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ कॉल्ड लीफ ब्लेड और लेमिना। जो फ्लैट पार्ट, लीफ का जो फ्लैट पार्ट होगा, सीधा पार्ट होगा, उसे हम लीफ ब्लेड और लेमिना कहते हैं। देखिए वो फिगर में है, यहां पर लेमिना है, ये लीफ का फ्लैट पार्ट है, यानी कि सीधा वाला पार्ट है, उसे हम लोग लेमिना बोलते हैं। नेक्स्ट है मेन वेन और मिडरिब। मिडरिब, मिड का मतलब जानते हैं आप लोग, बीच में, या मेन, मेन मींस मुख्य या बीच वाला पार्ट को। तो यहां पढ़ेंगे मिडरिब रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ एंड हैज मेनी साइड वेन। मिडरिब कहां से रन करता है, सेंटर से रन करता है, यानी कि यहां से जो रन किया है सेंटर से लेके यहां तक मेन, मेन वेन वो मेन है, पेड़ पत्ता का क्या है वो मेन वेन है, यानी कि मेन नस है जो ये है, इसे हम लोग मेन वेन या मिडरिब बोलते हैं। इससे बहुत सारे साइड वेन निकलते हैं, जैसे देखिए यहाँ साइड वेन है, यहाँ साइड वेन है, यहाँ साइड वेन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसे हम लोग साइड वेन बोलेंगे, इसे मिडरिब बोलेंगे, इसे लेमिना बोलेंगे, इसे पेटियोल बोलेंगे। और नेक्स्ट है स्टोमाटा। There are numerous tiny opening on the underside of the leaf. यानी कि स्टोमाटा उसे बोलेंगे। स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा कैसा दिखता है, वो क्या है, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। वो बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत सारे नॉर्मल छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो पत्तों में पाए जाते हैं, उसे हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। एक बात और है, स्टोमाटा हमें आंखों से, नंगी आंखों से नहीं दिख सकता है। वो किस चीज की सहायता से दिखेगा, वो माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखेगा। ऐसे हम लोग स्टोमाटा को नहीं देख सकते हैं, वो माइक्रोस्कोप की सहायता से ही दिखेगा। देखिए हमने भी स्टोमाटा का फिगर बनाया है यहाँ पर, लेकिन हम उसे देख पा रहे हैं, लेकिन जब वो लिप्स में होता है, स्टोमाटा लिप्स में होता है, तो हम उसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे नहीं देख सकते हैं। और नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, मोस्ट लीव्स हैव अ ग्रीन कलर सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। ज्यादातर पत्तों में आप लोग देखे होंगे, ज्यादातर पत्ते क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, हरा होते हैं। वो क्यों होते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते हरे क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसलिए वो पेड़ पौधों के पत्ते हरे होते हैं। लीव्स आर ग्रीन बिकॉज क्लोरोफिल। पेड़ पौधों के पत्ते इसलिए हरे होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फूड प्रोडक्शन इन लीव्स। फूड प्रोडक्शन इन लीव्स, फूड खाना यानी कि कैसे बनता है पत्तों में। हम आपको पहले ही बताए कि पेड़ पौधों का खाना बनाने में मदद उसका लीव्स करता है। तो वो कैसे बनाता है खाना, किस प्रकार से पत्तों में खाना बनता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। कि पत्तों में खाना बनाने का प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। कितने, चार चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला होता है सनलाइट,
दूसरा होता है क्लोरोफिल, तीसरा होता है वाटर और चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों को मिलाकर पेड़ पौधों में खाना बनता है। क्या होता है, क्लोरोफिल ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी ऑब्जर्व करता है। क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, देन उसके बाद इट यूजेज दिस एनर्जी एंड टर्न वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड। इस एनर्जी को वो क्या करता है, बदलता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर भोजन में। अभी क्या हो गया, इट यूजेज दिस एनर्जी एंड टर्न्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड। ये अपना एनर्जी को यूज करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन के रूप में बदलता है, खाना के रूप में बदलता है। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से बना है। कितने वर्ड से, दो वर्ड से बना है। फोटो मीन्स हो गया लाइट, फोटो मीन्स हो गया लाइट, फोटो का मतलब हो गया लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। सिंथेसिस का मतलब हो गया पुटिंग टुगेदर, एक साथ मिलाने का प्रक्रिया को हम लोग, प्रकाश के साथ मिलाने का प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। पेड़ पौधों का खाना बन गया, वो चार चीजों से बना, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधों का खाना बनता है। इस प्रोसेस, खाना बनाने का प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेटेस्ट स्टडी वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग का स्टेप जो कि फोटोसिंथेसिस में अवेलेबल था, उसके बारे में कि किसका क्या काम था, वो किस प्रकार से फूड को पहुंचाएगा पेड़ पौधों के पास तक, ये सब सारा चीज हम स्टेप बाय स्टेप अब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है, वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स, दीज आर सप्लाइड बाय स्टीम टू लीव्स। क्या है, वाटर एंड मिनरल, जो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होगा सॉइल से रूट के द्वारा, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय रूट, दीज आर सप्लाइड बाय द स्टीम टू लीव्स। वो कहां से सप्लाई होगा, वो स्टीम से लीव्स तक सप्लाई होगा। यानी कि जब मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा रूट से, तो वो सप्लाई कर देगा स्टीम से लीव्स तक। नेक्स्ट स्टेप है, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमाटा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, वो स्टोमाटा के थ्रू पत्तों तक पहुंचेगा। नेक्स्ट है, सनलाइट ट्रैप्ड इन द लीव्स बाय क्लोरोफिल। सनलाइट कहाँ से ट्रैप होगा, सनलाइट कहाँ से अब्जॉर्ब होगा, वो लीव से अब्जॉर्ब होगा, क्लोरोफिल के माध्यम से लीव में अब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट स्टेप है, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल एंड सनलाइट। फूड क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड वाटर, सनलाइट एंड मिनरल मिलकर फूड बनकर तैयार हो जाएगा पत्तों में। दिस फूड इज सेंट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू अ स्टीम। अब वो जो फूड बना, वो प्रत्येक पार्ट को पहुंचाने का, भेजने का काम कौन कौन करेगा, स्टीम करेगा। सभी पार्ट्स में स्टीम को पहुंचाना है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन एंड एक्सेस वाटर आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा ले लेगा, उसके बाद जो ऑक्सीजन छोड़ेगा और जो एक्स्ट्रा वाटर, ज्यादा वाटर बचा, वो रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर में थ्रू स्टोमाटा। वो स्टोमाटा के माध्यम से वातावरण में छोड़ देगा। नेक्स्ट है, अब क्या है, जो लीव्स, जो पौधा पत्ता फूड बनाने का काम किया है, खाना बनाने का काम किया है, उसे हम लोग फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स बोलते हैं वैसे प्लांट जिनके पत्ते हरे नहीं होते हैं। वैसे प्लांट जिनके पत्ते हरे नहीं होते हैं, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो एक दूसरे प्लांट के सहारे रहते हैं, वो दूसरे के सहारे रहते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स, प्लांट का खाना, प्लांट खाना का उपयोग कैसे करेगा। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे। ग्लूकोज इज द फूड मेड बाय प्लांट्स, इट इज अ काइंड ऑफ सुगर। जो प्लांट खाना बनाएगा उसका नाम क्या होगा, ग्लूकोज होगा। वो क्या, किस चीज का प्रकार है, वह सुगर का एक प्रकार है। प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्लांट्स का बचा हुआ फूड्स
जो प्लांट स्टोर करेगा उसे हम लोग स्टार्च बोलते हैं। वो स्टार्च के रूप में एब्जॉर्ब करता है, वो एक्स्ट्रा फूड को रखता है। नेक्स्ट है द लिक्विड फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड सैप। जो प्लांट खाना बनाएगा वो लिक्विड का फॉर्म में रहेगा, लिक्विड बनाएगा, जो भोजन बनाएगा उसे हम लोग सैप बोलते हैं। प्लांट का अभी वो उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे खाना का उपयोग करता है। सबसे पहले हम ह्यूमंस भी खाना खाते हैं, एनर्जी के लिए खाना खाते हैं, प्लांट्स भी वैसा ही करता है। वो एनर्जी के लिए ही खाना बनाता है और उसका यूज करता है एनर्जी के लिए और ग्रोइंग के लिए, वो ग्रो करता है। नेक्स्ट वो किस चीज के लिए करता है, वो अपने डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए करता है, जैसे उसका कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है। एनिमल्स उसे क्या करते हैं, खा जाते हैं, चबा जाते हैं, हम ह्यूमंस भी उसे तोड़ देते हैं। तो वो अपना जो भी खाना बनाएगा, वो जो भी अपना खाना बनाएगा वो खर्च करेगा किस चीज में, वो बचा हुआ टूटा हुआ भाग जो रहेगा, जो कटा हुआ भाग रहेगा, जो पेड़ पौधे का कटा भाग रहेगा, जो जानवर उसे चबा गए हैं उस भाग को रिपेयर करने के लिए करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स इस प्रकार से डिपेंड रहते हैं, लिविंग थिंग्स क्या करेंगे, जो हम मानव क्या करेंगे, मानव ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे, पेड़ पौधे ले लेंगे और उसके बाद क्या करते हैं, वो फिर से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सिमिलरली जैसे कि हम लोग लगातार उसी तरह से जो खाना बनाने का पार्ट है, जो खाना बनाने का पार्ट है, हम लोग पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट है, पेड़ पौधे मिट्टी पर डिपेंडेंट है, सनलाइट पर डिपेंडेंट है, क्लोरोफिल पर डिपेंडेंट है। इस प्रकार से जितने भी लिविंग थिंग्स है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। वो खुद पर निर्भर केवल प्लांट ही है, वो अपना खाना खुद बनाता है। लेकिन हम ह्यूमंस क्या करते हैं, पेड़ पौधों से जो भी खाना मिलता है उसे हम खाते हैं। और दूसरा है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो हम उस पर डिपेंडेंट हैं। जानवर क्या होते हैं, जानवर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हम उसे क्या बोलते हैं, वो इंटरडिपेंडेंस है, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।